खबर हरियाणा से है, जहां अंबाला शहर में कांग्रेस की जनसंकल्प जनसभा हुई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची और जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी जसबीर मलोर के लिए वोट की अपील की। इस दौरान कांग्रेस ने बागियों को निशाने पर लिया और खट्टर सरकार पर जमकर तीर चलाए। शैलजा ने कहा कि जनता के बीच स्थानीय मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और साथ साथ प्रदेश में मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वे जनता के बीच उठा रहे हैं। बहुत हैं यहाँ के हमारे स्थानीय मुद्दे हैं और इसके अलावा हमारे प्रदेश के मुद्दे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश के मुद्दों को भूल गई है। हमारे लोगों की पीड़ा उनको नजर नहीं आ रही है, चाहे वो हमारा किसान है, चाहे गरीब है, चाहे मजदूर है, चाहे हमारा दलित वर्ग है, चाहे महिलाएं हैं, सभी किसी की पीड़ा नजर नहीं आती। जब देखो कर्मचारी हमारे धरने पर बैठे होते हैं और उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, तो इन सब बातों से, क्योंकि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार टोटल फेलियर रही है, इन बातों से ध्यान हटाकर वो दूसरे मुद्दे लाना चाहते हैं। 370 जैसा, NRC जैसा, जिसका हरियाणा के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, असली मुद्दों से ध्यान बांटना चाहते हैं।